हेलो फ्रेंड्स, आज मेरे पास है DCA कंपनी का कटअप सो या फिर 14 इंच का चपसा मशीन। और इसमें दोस्तों दिक्कत ये हो रहा कि ये कार्बन अगर इसमें डालूँ तो 3 से 4 दिन के अंदर ख़त्म हो जाता है। स्पार्क ज़्यादा नहीं हो रहा है, लेकिन ये अभी मशीन डेथ है, बिल्कुल भी मशीन नहीं चल रहा है। लेकिन इसमें अगर हम दोबारा कार्बन डालें, कार्बन जल जाता है साइड में किसी भी पोजिशन में, कार्बन जल जाता है और फिर ये 3 से 4 दिन के अंदर ये कार्बन ख़त्म हो जाता है। स्पार्क ज़्यादा नहीं हो रहा है, लेकिन इसमें दिक्कत है। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा ये जो प्रॉब्लम है उसको कैसे हम रिपेयर कर पाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अब चैनल मैंने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कीजिए इस टाइप का वीडियो आगे देखने के लिए। और यहाँ पे देखिए मेरे पास है चपसो, तो इसमें मैं दोनों कार्बन खोल रहा हूँ क्योंकि इसमें दोस्तों बिल्कुल मशीन चालू नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे एक कार्बन तो बिल्कुल सही है, हम दूसरी कार्बन निकालेंगे यहाँ से। और दूसरी कार्बन यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि ये जल गया है। तो यहाँ पे ये देखिए कार्बन, ये उसका स्प्रिंग जल गया है, तो इसके कारण ये मशीन चालू नहीं हो रहा था। तो चलिए अभी दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हमको इसमें दिक्कत क्या है कि इसका आर्मेचर ख़राब हुआ है जो लग रहा है मुझे बाहर से। तो अभी हमको क्या करना है, LG 3 डेवलपर पर आपको यहाँ से आगे के पोजिशन में उसका गार्ड खोलना पड़ेगा, फिर ये मटर हाउसिंग निकलेगा, आर्मेचर निकलेगा। तो इसलिए हम यहाँ पर ABS रोड निकाल लेंगे। 8 नंबर एलिंग से हम इसका ABS निकालेंगे। फिर अभी हम क्या करेंगे, उसका गार्ड का नॉट निकाल के पूरा 4 स्क्रू निकाल लेंगे। स्पीड करके आपको दिखा रहा हूँ क्योंकि इतना टाइम नहीं रहता है, बहुत बड़ा वीडियो होने वाला है। तो दोस्तों चैनल बने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को और प्रेस कीजिए इसका वीडियो आगे देखने के लिए। और दोस्तों कोई भी स्पेयर पार्ट की जरूरत है नीचे आपको लिंक मिल जाएगा, जाकर परचेज कर सकते हो मेरे वेबसाइट से। और यहाँ पर देखिए इसका मटर हाउसिंग निकल चुका है, आर्मेचर निकालेंगे। अभी दोनों स्क्रू ड्राइवर से हम थोड़ा प्रेस कर लेंगे तो ये निकल जाएगा। और ये ऐसे देखिए पिटने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप दो स्क्रू ड्राइवर से आप उसको थोड़ा खींच लीजिए, ये निकल जाएगा। ओके, ये निकल गया। तो अभी दोस्तों ये देखिए मुझे जो लग रहा है ये इसमें आर्मेचर ख़राब है, ये देखिए ये आर्मेचर 2 पॉइंट थोड़ा थोड़ा ख़राब हो चुका है। तो इसके कारण ये स्पार्क नहीं हो रहा है, लेकिन आर्मेचर के जो कम्यूटेटर है वो कार्बन खाता है। अभी करंट चल जा चुका है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर हम फिटिंग करेंगे। और यहाँ देखिए ये कम्यूटेटर यहाँ से खा गया है, और ये देखिए ये 2 पॉइंट खा गया है। तो इसमें इसका सोल्यूशन दोस्तों आपको आर्मेचर चेंज करना पड़ेगा, और कोई सोल्यूशन नहीं है। आप अगर उसका कम्यूटेटर चेंज कर पाओगे तो चेंज जरूर कीजिए, लेकिन अभी मेरे पास ऐसा चीज़ नहीं है कि मैं उसका कम्यूटेटर चेंज करके दिखाऊँ। अभी हम आर्मेचर लगाएंगे, LG 3 डबल 5 का आर्मेचर यहाँ पर लगाएंगे। सबसे पहले अगर आप आर्मेचर चेंज करो तो हमेशा ट्राई कीजिए दोनों को बराबर लगाने का, सही से दोनों सेम होना चाहिए। उसका दांती आगे वाला पिनियन चेक कर लीजिए, 7 या फिर 8 जो भी पॉइंट है उसी हिसाब का वो लगाना है। उसका कम्यूटेटर आपको चेक करना है, फिर उसका जो जहाँ पे बाइंडिंग होता है वो भी आपको चेक करना है कि कितना mm का है। जैसे कि मैं यहाँ से स्केल से मेजरमेंट कर लिया, और कोई दिक्कत नहीं है, ये पूरा परफेक्ट दोनों आर्मेचर बिल्कुल सही है, तो मतलब सेम ही है। तो अभी हम क्या करेंगे, आर्मेचर में बेरिंग चेंज करेंगे। दोनों बेरिंग को यहाँ पे हम निकाल लेंगे, पुराना बेरिंग, और पुराना बेरिंग निकाल के हम उसमें नया आर्मेचर में लगाएंगे। तो मेरे दोस्तों अगर आपका मशीन में बेरिंग ख़राब है तो बेरिंग को ज़रूर चेंज कीजिए। थोड़ा सा भी टाल है या फिर थोड़ा सा भी साउंड आ रहा है तो ज़रूर दोनों को चेंज कर लीजिए, नहीं तो आपका ये जो बेरिंग के कारण आपका आर्मेचर ख़राब हो सकता है, आर्मेचर का पिनियन ख़राब हो सकता है, और उसका गियर भी ख़राब हो सकता है, ये ज़रूर ध्यान दीजिएगा। ऊपर में 6202 का बेरिंग लगा लेंगे। यहाँ पे ऊपर में बेरिंग लगेगा 6202 का, यहाँ पे हम ऐसे पिट लेंगे, पूरा आसान सा काम है। आप कोई भी बूस्ट वगैरह यूज़ करके आप उसको पिट सकते हो। नीचे आपको 6200 का बेरिंग यहाँ पे लगेगा, ये देखिए 6200 का बेरिंग, ये ऊपर में 6202 का बेरिंग, दोनों बेरिंग हम यहाँ पे लगा लेंगे। और फिर ये लगा के हम ग्रीसिंग वगैरह करके हम आसानी से उसको फिटिंग कर सकते हैं, और कोई दिक्कत नहीं होगा। और इसमें दोस्तों प्रॉब्लम ये हुआ था, कम्यूटेटर में जो घाटी रहता है वो थोड़ा ज़्यादा गैप हो गया था। इसके वजह से ये जो मशीन है मैक्सिमम 2 से 3 दिन के अंदर कंटिन्यू अगर काम करोगे 2 से 3 दिन के अंदर कार्बन ख़राब हो जाता है। तो इसमें दोस्तों अगर आप कार्बन डालते हो अच्छा, अगर आपका मशीन अच्छा है, कोई इशू नहीं है, तो कार्बन मिनिमम 6 से 7 महीना जाना चाहिए, और कोई दिक्कत नहीं होगा इसमें। अगर आर्मेचर यहाँ पे मैं चेंज कर लिया और कोई इसमें और कोई दिक्कत नहीं होगा, आर्मेचर में बेरिंग हम लगाएंगे, बेरिंग जो पुराना बेरिंग यहाँ पे लगा लिया, फिर अभी दोस्तों हमको उसमें ग्रीसिंग करना है, फिर कार्बन लगा लेंगे तो ये चालू हो जाएगा, कोई इशू नहीं है।
तो ऐसे ही वीडियो देखना है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कीजिए, और कोई भी इस पेपर की जरूरत है नीचे आपको लिंक मिल जाएगा मेरे वेबसाइट का, तो वहाँ पे जाके ये आर्मेचर भी चाहिए तो नीचे आपको लिंक मिल जाएगा। सभी पेपर्स अवेलेबल है नीचे भाई, नीचे आपको लाइन बाई लाइन आपको मिल जाएगा सभी पेपर्स। और यहाँ पर मैं आर्मेचर डाल चुका हूँ, यहाँ से गियर हाउसिंग, यहाँ पर थोड़ा पीट लेंगे, थोड़ा हम ट्रायल कर लेंगे ताकि ये आर्मेचर बिल्कुल घूम रहा है या नहीं घूम रहा है। यहाँ पे बिल्कुल सही सलामत घूम रहा है, कोई इशू नहीं है, पूरा परफेक्ट तरीके से फिटिंग हुआ है। पीछे वाला बेयरिंग भी सही सलामत है, पीछे वाला बेयरिंग आगे वाला बेयरिंग बिल्कुल परफेक्ट एरिया में बिटना चाहिए। बड़ा कभी कभी एल जी 3 WFM में बहुत वेराइटी का आर्मेचर आता है, तो उसी में ये बोल रहा हूँ कि आपको सही तरीके से सही आर्मेचर को फिटिंग करना है। ओके, अभी हम ये गियर लगा लेंगे। तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कीजिए, और यहाँ पे ये गियर को हम दोबारा लगा लेंगे, गिर गया था। ओके, ये रेडी हो चुका है, अब हम स्क्रू टाइट कर लेंगे, गायर लगा लेंगे, कार्बन लगा लेंगे, तो ये रेडी हो जाएगा। तो यहाँ से हम उसका लॉकिंग पिन लगा लेंगे साइड में। ओके, ये लॉकिंग पिन जो है वो आपको ब्लेड को लॉक करने के लिए काम किया जाता है। तो यहाँ से हम लगा लेंगे और उसका दोनों स्क्रू, चार ठो यहाँ पे स्क्रू लगता है गियर हाउसिंग में, जो दो ठो स्क्रू लग रहता है वो सबसे पहले हम टाइट कर लेंगे, थोड़ा पकड़ने में सही रहेगा। ओके, तो यहाँ से हम दो स्क्रू को पूरा उसके घाटी में भीड़ लगाना है हमको। यहाँ से टाइट कर लेंगे, तो दोस्तों ये LG 3 WFM का गियर, नहीं तो आर्मेचर या फिर कॉइल या फिर कोई भी स्पेयर पार्ट्स की ज़रूरत है, आपको लिंक नीचे मिल जाएगा, जाके परचेज कर सकते हो आपके एरिया में जहाँ पे भी हो, डिलीवरी हो जाएगा। लेकिन दोस्तों आपको पहले पेमेंट करना पड़ेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। बहुत लोग आते हैं, बिल बनाते हैं, जिसका पेमेंट करते हैं, जो पेमेंट करता है वहीं उसी का ही पार्सल जाता है। अगर बिल बना के छोड़ दोगे तो कोई आपको पार्सल नहीं मिलने वाला है, कैश ऑन डिलीवरी अवेलेबल नहीं है, आप पेमेंट करोगे पूरा सेफली आपके पास पार्सल हो जाएगा। जिसी का भरोसा है तो ज़रूर जाके आप पेमेंट बिल बनाइए, पेमेंट कीजिए, कोई इशू नहीं है, पार्सल हो जाएगा। तो यहाँ से हम लगा लेंगे उसके एबीओ, सर ये टाइट हो चुका है। ओके, हम अभी दोस्तों आगे वाला पोजीशन ही काम हो चुका है, अभी हम पीछे वाला पोजीशन में आर्मेचर में कार्बन लगाएंगे। नया कार्बन हमको यहाँ पर डालना है, और यहाँ पे ये LG 3 WFM का कार्बन लगेगा। आप कोई भी सेम 4 का कार्बन लगाओगे तो नहीं लगने वाला है, तो LG 3 WFM का आर्मेचर में LG 3 WFM का ही कार्बन लगेगा, उसका ब्रॉस होल्डर अलग है। तो सेम 4 का बहुत लोगों ने घिस के लगा लेते हैं, ये इसके कारण आपका आर्मेचर ख़राब हो सकता है, तो ये ज़रूर ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ से हम लगा लेंगे उसका कार्बन कैप। तो एक तरफ ये रेडी हो चुका है, दूसरी तरफ हम यहाँ पे लगा लेंगे। ओके, यहाँ पे ये रेडी हो चुका है, अभी हम उसका बैक कवर लगाएंगे। बैक कवर इम्पोर्टेंट है, नहीं तो आप नहीं लगाओगे, नहीं लगेगा आप चालू करोगे तो आर्मेचर बाहर निकल जाएगा, तो ये ज़रूर ध्यान दीजिएगा, आपको ये बैक कवर लगाना पड़ेगा। तो स्क्रू लगा के यहाँ पे हम टाइट कर लेंगे, ये पूरा रेडी हो चुका है दोस्तों। अभी हम मशीन को चला लेंगे, दिखाएंगे क्या पहले दिक्कत था
और इसका सोल्यूशन हमको यहाँ पे हो चुका है, सॉल्व हो चुका है जो प्रॉब्लम था। ये दोस्तों मैं आपको दोबारा बताऊँ, इसमें दोस्तों क्या हो रहा था कि अर्मेचर हम ये मशीन को अगर 2 से 3 दिन के अंदर हम दो से तीन दिन चलाएंगे तो इसका कार्बन ख़त्म हो जाएगा, लेकिन दोस्तों ये जब चलाते हैं वो स्पार्क नहीं आता है ज़्यादा, थोड़ा थोड़ा आता है लेकिन स्पार्क नहीं आता है, और इसके वजह से आपका अर्मेचर में दिक्कत था, तो इसलिए आपका अर्मेचर में कार्बन बहुत ज़्यादा खा रहा था। तो 3 से 4 दिन के अंदर एक आर्मेचर ख़त्म हो, कार्बन ख़त्म हो जाता, तो मैं उसको खोला, खोल कर देखा कि आर्मेचर का कम्यूटेटर शॉर्ट है, तो कम्यूटेटर में आपको आर्मेचर पूरा चेंज करना पड़ेगा, कम्यूटेटर आपको चेंज नहीं कर पाओगे। आर्मेचर में चेंज कर लिया, यहाँ पे कार्बन नया लगा लिया, अभी मशीन को चालू कर लेंगे, देखेंगे थोड़ा टाइट हो रहा है, कोई इशू नहीं है, चपसॉप मशीन थोड़ा टाइट रहता है, आप थोड़ा अगर ज़्यादा टाइट है तो थोड़ा पिट लीजिए पीछे से, तो ये पूरा फ्री हो जाएगा, कोई इशू नहीं होगा, आप थोड़ा चला लीजिए, बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। ओके, तो अभी हम मशीन को चला लेंगे, करंट आ चुका है। ओके, सीरीज में ये जल रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे ये बिल्कुल सही सलामत काम हो चुका है। तो अगर आपका मशीन में थोड़ा साउंड आ रहा है तो ये चपसा मशीन ऐसा ही रहता है, आप अगर आर्मेचर चेंज करोगे या फिर कोई भी चीज़ खोले हो तो दोबारा फिटिंग करने के बाद 1 से 2 मिनट कंटिन्यू चला लीजिए, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो पूरा स्मूथ आवाज़ आ रहा है और कोई आवाज़ नहीं आ रहा है। जब मैं पहले चलाया था बहुत और आवाज़ आ रहा था, लेकिन अभी ये सही सलामत हो चुका है। चपसा मशीन में ऐसा ही रहता है, आप थोड़ा कंटिन्यू चला लीजिए, ये पूरा फ्री हो जाएगा। अगर गियर पिनियन ख़राब है तो वो अलग बात है, लेकिन अगर दोनों सही है तो साउंड आ रहा है तो आप 2 से 2.5 मिनट चला लीजिए, पूरा फ्री हो जाएगा और कोई दिक्कत नहीं। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो पूरा स्मूथ आवाज़ आ रहा है। तो दोस्तों चैनल में चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस टाइप का वीडियो देखना है तो बेल आइकन को ऑल ओवर जरूर प्रेस कीजिए। ये रेडी हो चुका है, मैं थोड़ा कंटिन्यू चला रहा हूँ, शायद दोबारा ये साउंड निकले, लेकिन ये बिल्कुल भी नहीं निकल रहा है और कोई दिक्कत ही नहीं है। तो हम यहाँ पर स्मेल चेक कर लेते हैं, ये इम्पोर्टेंट रहता है, अगर आपका मशीन में आर्मेचर कॉइल में घिस रहा है, स्पार्क आ रहा है, तो आप थोड़ा स्मेल भी चेक कर सकते हो। अगर स्मेल आ रहा है तो ज़रूर दोबारा खोल के चेक कीजिए, बेरिंग वगैरह आर्मेचर वगैरह चेक कीजिए कहाँ पे टच हो रहा है। लेकिन दोस्तों इस मशीन में और कोई दिक्कत नहीं है, ये पूरा सही सलामत हो चुका है। तो अभी हम कस्टमर को हैंड ओवर कर लेंगे, तो और कोई दिक्कत नहीं है, जो कार्बन खा रहा था वो सॉल्व हो चुका है। तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कोई भी स्पेयर पार्ट की ज़रूरत है नीचे आपको लिंक मिल जाएगा, जाके मैं वेबसाइट में ऑर्डर कर सकता हूँ।